नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की लेंगे शपथ, पीएम मोदी समेत बीजेपी के दूसरे दिग्गज रहेंगे मौजूद। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है, बोले अखिलेश यादव। तमिलनाडु रेल हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द की गयी, साथ ही कई ट्रेनों का बदला गया रूट। हरियाणा चुनाव परिणामों पर ओवैसी का बड़ा बयान, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। महिला ने बेटी को मारने की दी सुपारी, प्लान का पता चला तो बेटी ने किलर को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसी से करा दी मां की हत्या। भागवत ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की, कहा बांग्लादेशी हिंदुओं को पूरी दुनिया की मदद चाहिए। कोलकाता का रेप मर्डर सबसे शर्मनाक घटना। मुंबई में आज शिंदे उद्धव की दशहरा रैली, सीएम की रैली में 2 लाख लोग जुटेंगे, महाराष्ट्र चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप बोले अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे अप्रवासी, राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा, उन देशों में भेजूंगा जिनसे अमेरिका जंग लड़ रहा। इसराइल का लेबनान में यूएन पोस्ट पर दूसरा हमला, यहां 600 भारतीय सैनिक तैनात। ईरान बोला अरब देशों ने नेतन्याहू की मदद की तो नतीजा भुगतेंगे। आज हैदराबाद में पहली बार होगा बांग्लादेश भारत का सामना, महमूदुल्ला का आखिरी T20 मुकाबला। बुमराह बने टेस्ट टीम के उपकप्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शमी अब तक फिट नहीं। फेमस सिंगर बी प्राक ने अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी अनिल विज को जीत की बधाई दी, इस दौरान उन्होंने अपना मशहूर गाना भी सुनाया। 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट, AI तकनीक से लैस, आपस में बात करेंगे, चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूती होगी। हरियाणा में चुनाव हारते ही समाज सेवा से किनारा, 3 पूर्व विधायकों ने फ्री बसें बंद की, 5 रुपए वाली रसोई पर भी ताला। आलिया भट्ट की जिगरा पर कंगना रनौत का रिएक्शन, क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर कसा तंज। कपिल शर्मा शो चंबू की बेबो से खास डिमांड, नए प्रोमो में सुनील ग्रोवर को देख लोटपोट हुए फैंस। जिगरा का नहीं चला जादू, ओपनिंग डे पर 4,25,00,000 की कमाई की। मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड पर लगाए गंभीर आरोप, कहा यहां चलती है चमचागिरी, वो लिंचिंग करते हैं, उनकी पार्टी आतंकी है। बीजेपी पर कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कैथल में दर्दनाक हादसा, डेरे में दशहरे की पूजा करने जा रहे परिवार की गाड़ी नहर में गिरी, 3 महिलाओं समेत 8 की मौत। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।